हम क्लास 8 कल हमने आपको 12B के कुछ सवाल कराए थे और मैंने कहा था इसको इस तरह से करना, तो आपकी आज जिस बच्चे की रिक्वायरमेंट है वो भी ध्यान से सुन ले, वो जरूर देख ले। उसने पूछा था ये चिपका कैसे किया जाएगा, तो देखो वो रिक्वायरमेंट के अनुसार हम क्या करते हैं, ये हमने एक चिप बनाई है जैसे इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो हमारे सामने क्या है, ये चीज टुकड़ा है, ये हमें नहीं मालूम है, तो हम इसको पूरा कर लेते हैं। अब हमें डॉट डॉट लगा के देखा, हमने पूरा रेक्टेंगल बन गया। जब ये रेक्टेंगल बन गया तो अब चीज देखिए आप, जैसे देखो ये 8 थी तो ये भी साइड यहां से यहां तक 8 होगी, लेकिन हमें उसने 6 दिया यहां तक यहां तक, तो हमें ये कितना बचेगा, ये 2 बचेगा यहां पर। इसका मतलब है ये 2 सेंटीमीटर हमारे पास बचा हुआ है। अब इधर देखिए जी वाले पॉइंट पे एच से लेकर जी तक दी गई है 3, लेकिन आई से लेकर ई तक जो दी गई है 5, तो यहां से यहां तक 5 होगी, तो ये भी 2 बचेगा, तो 2 सेंटीमीटर। तो ये टुकड़ा हमारा गायब हो रहा है इस चीज से, तो यहां हमें देखना है। तो क्या होगा कि पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, जैसे कि लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ 8 रहेगी और ब्रेथ हमारी 5 रहेगी, तो हम शॉर्ट कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर टुकड़ा 40 हमारा आ गया, ये पूरी रेक्टेंगल के ग्रुप का आ गया। अब हमारे पास 2/2 ये चीज बची है, तो 2 × 2 इसका हमारा 4 आ गया। अब ये गायब हो गया, गायब हो गया है तो मतलब माइनस हो गया, तो हम माइनस कर देंगे, इस तरह से 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपको इस तरह से चिपका निकालना है। अगर डिटेल लेना है तो डिटेल भी हम लिख सकते हैं, डिटेल में हमें क्या लिखना पड़ेगा ये भी आप देखो, जैसे लेंथ ऑफ फिगर, हमारा पूरा फिगर है तो हमारा 8 सेंटीमीटर, अब हमने इसको डैश जोड़ दिया है तो हमें ब्रेथ ऑफ फिगर 5 सेंटीमीटर, तो अब हमारे पास एरिया तो L इंटू बी होगी, तो 8 × 5 मीन्स हमारे पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसका हमें एक नाम लेना पड़ेगा, जैसे आई ले लिया हमने तो जे ले लो, तो ये चीज हमें क्लियर स्थिति आ जाए। अभी तो हमारी लेंथ खुद थी आई एच ई के इसका वैसे आई एच जे, अब जे हमें लेना पड़ेगा और ई ये इस फिगर का है। अब हमारे पास टुकड़ा इसका देखना है इस फिगर का, तो इसका क्या होता है, ये ट्रायंगल बना तो बेस इंटू हाइट, तो हमारे पास आ जाएगा जैसे देखो बेस, अब ये ट्राइंगल का हम सिंबल लगा देते हैं एफ जी जे इस तरह का, बेस हमारा है एफ जे मान लिया आपने तो 2 सेंटीमीटर और हाइट भी हमारे पास है जी और जे, ये 2 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम फार्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 2 × 2 ये काट दिया तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब हमें पूरे किस फिगर का लगाना है, तो एरिया ऑफ फिगर अब आई एच जी एफ, हमने अब जे को हटा दिया, एफ ले लिया ई और आई, इसका ये पूरा फिगर ये चीज ले लो, आई एच जी एफ ई आई एच जी एफ ई, और फिर ये आई भी है तो अगर डालना चाहो तो यहां आई डाल सकते हो। अब कहने का मतलब है
कि हमने इसका जो एरिया घुल कर लिया था वो 40 सेंटीमीटर इसको आया माइनस, अब जो हमारा ये टुकड़ा हटा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस तरह 38 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। पहले हमने वो 2x2 करके दिखाया था साधारण वाला, अब हमने ट्राइंगल मेथड से लेकर कराया। तो ये मेथड है करने का, जिस बच्चे रिक्वायरमेंट है वो अब समझ गए आ जाएगा, आप उसको देखें तभी समझ में आएगा। ऐसे ही अगला वाला भी है, आप देख सकते हैं लोग, ये फिगर बनाया है, इसकी हाइट 10 है और ये फुल की हाइट पूरे की 17 है, तो ये 7 रह जाएगी और ये इसका 8 है और ये इसका 14 है। अब नाम आ गया आर एस वी टी यू। तो आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन जैसा ही है, ये ट्रेपेजियम बन गया हमारा और ये ट्राइंगल बन गया। तो हम पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर हम इसका एरिया निकालेंगे और दोनों एरिया को हम प्लस कर देंगे तो हमारा एरिया फिगर आ जाएगा। हमने आपसे देखो पहले ही कहा था कि जितनी भी ड्राइंग्स मतलब ज्योमेट्री है वो आपको ऑनलाइन में समझ में बहुत देर में आएगी, इसलिए आपको सीरियस माइंड से पढ़ना है। ज्योमेट्री ऑनलाइन में नहीं समझ में आएगी, इसलिए मैंने ज्योमेट्री पार्ट छोड़ा, लेकिन एरिया में भी ज्योमेट्री पार्ट आ रहा है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा आप सहयोग करें, अगर आपको दिक्कत हो रही है किसी भी तरह से तो आपने मेरा घर देखा है तो आप मेरे घर पर आ जाए, तो मैं ऑनलाइन बिल्कुल ना होते हुए ऑफलाइन जैसी स्थिति में आपको करा सकता हूं। इसमें कोई आपकी फीस नहीं लगेगी, जैसे सोचे अरे नहीं सर जी के पास जाएंगे तो हमने पैसे लेंगे, कुछ नहीं है, आप आइए हम आपको समझाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि आप इस संस्था से जुड़े हैं, आप स्कूल की फीस दे रहे हैं तो आपका मेरा फर्ज नहीं है, मेरा फर्ज है कि हम आपको पूर्ण रूप से पढ़ाएं, आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं आपसे फिर वही कह रहा हूं, ज्योमेट्री टाइप का जो पार्ट है ये समझ में देर में आता है ऑनलाइन में, अगर साक्षात होते तो हम आपको क्लियर बताते। फिर दूसरी एक और पॉइंट है कि आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को भी ध्यान से देखो तो शायद समझ में आएगा, कोशिश करना पड़ेगा। अब जैसे देखो अब ये दी गई इन्होंने यहां से यहां तक 17 दी गई थी, तो आपने सर 7 कैसे कर लिया, तो भाई मैं देखो ये कह रहा हूं जैसे देखो यहां से ये हाइट है, ये 10 इसने दी गई है यहां पर, तो ये हाइट नीचे तक जाएगी ना, जब ये नीचे तक जाएगी तो इसकी हाइट ये शो करेगी, तो ये शो करेगी तो इसका मतलब ये 10 ये हो गई, तो ये हाइट हमारी 7 ही होगी। इस तरह से आप सवाल लगाएंगे तो आपको घबराना नहीं है, आपको संपर्क रखना है, आप वीडियो से संपर्क रखिए। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप किसी भी समय 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आप किसी भी समय आ सकते हैं, बस 1 से लेकर 3 तक नहीं आना है। 3 बजे आप आ जाइए हम आपकी 3 बजे समस्या सुलझा देंगे, आप 12 बजे आ जाइए हम 1 बजे तक आपको क्लियर कर देंगे, लेकिन आपको चलना है। तो अब हमारे पास इसका एरिया निकालना है, तो ये ट्रेपेजियम हो गया पूरा हमारा ग्रुप ट्रेपेजियम है, और ये वाला ग्रुप है रेक्टेंगल का ट्राइंगल का। तो हम क्या करें, जैसे देखो एरिया ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा देते हैं एरिया ऑफ, अब हम शॉर्ट में कर रहे हैं तब आप समझ नहीं पा रहे ये चीज है, तो भाई हम आपसे कह रहे हैं आप बड़ी क्लासेस है शॉर्ट ही करना पड़ेगा, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा लग रहा है सर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
ट्रेपेजियम में हमारा एस वी यू और टी शब्द है, एस वी यू टी। अब इसमें देखो दो पैरेलल साइड है एस वी और टी, तो हमें निकालना है वन अपॉन टू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, और ये ट्राइंगल का देखना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी फार्मूला हमारे पास है वन अपॉन टू बेस इनटू हाइट। अब ये दोनों मिक्स कर देते हैं, तब आप कहते समझ में नहीं आया सर, तो समझने का मतलब ये है भाई कि आपको थोड़ा ध्यान लगाना है। तो ये पैरेलल साइड है तो हम वन अपॉन टू एट प्लस फोर्टीन को लिख देते हैं, और हाइट हमारी ये सेवन, ये आ रही थी सेवन तो हाइट हमारी सेवन आ गई, प्लस अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी आप अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग करेंगे तो हम ब्लैक बोर्ड को देख रहे हो कितना छोटा है, इसमें तो बहुत जल्दी भर जाएगा। अब वन अपॉइंट टू बेस हमारी, अब इसकी बेस एट रहेगी, ये नहीं रहेगी जो आप सोच रहे हैं, एट ही बेस है तो एट, और हाइट आपको इसमें दे दी है टेन तो टेन। अब हम कर सकते हैं इनको दोनों को प्लस कर दिया, प्लस वन अपॉन टू इंटू टेन, अब इसको काट दिया इलेवन, इलेवन सेवन जा सेवेंटी सेवन, इसको काट दिया फोर, टेन फोर जा फोर्टी, अब इन दोनों को जोड़ दिया सेवन इलेवन और उठा के सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। तो ये चीज आपको करनी है, अब ये शॉर्ट हो गया, अब आपको समझ नहीं आता तो समझने की कोशिश करिए तभी आएगा। पहले आपको परसों ही इसकी जब एक्सरसाइज पढ़ाई थी तभी कह दिया था, आप बड़ी क्लास में जा रहे हैं, आपके सामने जब नाइन्थ टेंथ में होंगे सत्तर सत्तर क्वेश्चन करने पड़ते हैं और तीन घंटे में, तो कैसे करेंगे, तो शॉर्ट ही अपनाना पड़ेगा। तो शॉर्ट करने के लिए है कुछ नहीं, शॉर्ट नहीं विशेष शॉर्ट नहीं है, आप जो सोच रहे शॉर्ट है, केवल फार्मूला लगाइए डिजिट भरिए आप अपना करिए, तो ये काम करना है।